अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मजीद अली आपका कंप्यूटर टीचर आपके लिए अमेज़न की एक नेक्स्ट वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके लिए। फिर से हम लोगों ने अमेज़न के मतलब कुछ चीज़ें जान ली हैं, उसके मतलब जाना है अमेज़न में सेलर अकाउंट है। उसके बाद हमने लास्ट वीडियो में जाना था अपनी वीडियो नंबर 3 में प्लेलिस्ट की कि अमेज़न के अंदर सेलिंग प्लान कितने होते हैं। और आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं, मैं कुछ छोटी छोटी वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको जल्दी से आसानी से पिक हो जाएगा और बोरियत भी नहीं होगी, जल्दी से वीडियो ऐसे खत्म हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अमेज़ोन में अर्निंग करने के लिए जो हमारे पास अकाउंट्स है, जो हमने जिसमें प्लान के डिस्कस किया था, दो एक्चुअल मैंने आपको प्लान बताए थे, अब दोनों प्लान्स के अंदर अकाउंट्स कितने हैं, अमेज़ोन के अंदर सेलर अकाउंट्स कितने हैं, कितनी उनकी टाइप्स होती हैं, तो आज वो डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अमेज़ोन के अंदर जो सेलर अकाउंट्स के जो टाइप्स हैं वो टोटल हैं 3 हमारे पास। बेसिक प्लान 2 हैं लेकिन टाइप्स उनकी हमारे पास 3 हैं। जो अगर हमारे पास इंडिविजुअल प्लान आ जाता है तो उसके जो अंडर हमारे पास जो आपका अकाउंट आता है उस अकाउंट को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट। इंडिविजुअल सेलिंग अकाउंट ये हमारे पास प्लान जो 1 है, इंडिविजुअल प्लान है, उसकी जो सब कैटेगरी में चीज़ें आ रही हैं उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अमेज़ोन के ऊपर अपने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको पहले सोचना है कि अच्छा मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैंने कौन सा रास्ता चुनना है, प्लान ए प्लान बी, मतलब कि इंडिविजुअल या प्रोफेशनल, 2 प्लानों में से। उसके बाद आपके अंदर अकाउंट बनाने की ऑप्शन आपको मिलती है कि आपने एक्चुअल में अकाउंट कौन सा बनाना है वो आपको थोड़ा सा जानने की कोशिश करनी है। तो अगर तो आप बनाते हैं अपने पास अकाउंट इंडिविजुअल प्लान लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर आपका जो अकाउंट बनेगा उसे बोलते हैं इंडिविजुअल अकाउंट। और अगर आप अपना प्रोफेशनल वाला प्लान चूज़ करते हैं अमेज़ोन से अर्निंग करने के लिए, तो फिर आपको उसके अंदर 2 तरीके के अकाउंट बनाने की ऑप्शन मिलती है। उन दोनों अकाउंट में से आपने फैसला कर लेना है जो उसमें आपको बेस्ट लगता है, उसको आप चूज़ करके उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। तो जो अकाउंट प्लान 1 इंडिविजुअल प्लान, उसके नीचे जो आया वो इंडिविजुअल अकाउंट आ गया। प्रोफेशनल प्लान, उसके नीचे जो हमारे पास आएगा उसके अंदर आता है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान अकाउंट और प्रोफेशनल सेलिंग बिजनेस अकाउंट। तो ये हमारे पास आज की इस छोटी सी वीडियो में कम से कम ये चीज़ समझ आ चुकी है कि अगर आप इससे अमेज़ॉन से अर्निंग करने आ रहे हैं तो अकाउंट्स के बाद के सेलिंग प्लान के बाद आपको ये आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में इनके अंदर जो अकाउंट्स हैं उनमें क्या क्या फ़र्क है, उनके नाम क्या हैं। आज की वीडियो में जस्ट हम लोगों ने भी नाम समझे हैं कि उनके नाम क्या हैं, इंडिविजुअल प्लान इंडिविजुअल अकाउंट। प्रोफेशनल प्लान जो आता है उसके अंदर जो फर्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल सेलिंग प्लान अकाउंट और बिजनेस सेलिंग प्लान अकाउंट। तो ये दोनों में से आप आगे भी जिनों को जैसे मर्जी कर लो, लेकिन इसके अंदर 2 अकाउंट हैं, उसका 1 अकाउंट है। आई होप को ये पॉइंट समझ आ चुका होगा कि अगर आप इसमें अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से अकाउंट का सिर्फ नाम पता लग गया, एक्चुअल में कौन सा भी चूज़ करना है, क्योंकि इन अकाउंट्स में कुछ ना कुछ तो फ़र्क है ना, तो इनमें क्या क्या फ़र्क है, किससे कितनी कितनी अर्निंग का क्या तरीकाकार है, कौन सा अकाउंट कितनी अर्निंग दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली अपकमिंग वीडियो में साथ साथ छोटी छोटी वीडियोस में कवर करते जाएंगे। अगर आपको इतना कम से कम समझ आ चुका है कि हमारे पास अमेज़ॉन के अंदर सेलिंग अकाउंट की टाइप कौन सी है, उनके नाम क्या है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मजीद अली मुलाकात करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों मेरे से जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।